हेलो, नमस्कार। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की मंगोड़ी। ये हरी मूंग दाल है, छिलके वाली। ये देखिए, ये बहुत है ना, बारीक वाली होती है। उसके ही मंगोड़ी बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे दो दाल आती है, एक चौड़े चौड़े पत्ते वाली आती है, चौड़ी दाल वाली, और एक आती है बहुत बारीक दाल वाली। तो ये मैंने बारीक दाल के लिए है, इसको देसी दाल बोलते हैं, देसी मूंग दाल। और ये सर्दियों में बहुत आती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आती है। तो इसको मैंने भिगो दिया है। ये 1 गिलास दाल है ये, और ये छिलके वाली है। ये देखिए, ये भीग गई है। या तो ओवरनाइट रखें, क्योंकि सर्दियां हैं तो है ना, आपकी मंगोड़ी बहुत अच्छे बनेंगे। 1 घंटे दाल भीगने से है ना, वो टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने ओवरनाइट भिगोई है ये देखिए। और इसको है ना, धोने के लिए, चिक्कल निकालने के लिए बस पानी में ऐसे कर लीजिए। तो ये ज्यादा एफर्टलेस काम है ये देखिए। और आपकी दाल है ना, ये क्योर हो जाएगी। ये देखिए, है ना, पानी भर लीजिए और हाथ से रगड़ लीजिए, तो दाल की छिकल अलग हो जाती है। और आप है ना, उठा उठा के भी डाल सकते हैं, जैसे ये मैं डाल रही हूँ। लेकिन है ना, ज्यादा धो धो कर पानी नहीं फेंकना है। जैसे इसका जो पानी आ रहा है ना, बस तो ये निकल गई छिकल हमारी। ये देखिए, ये आराम से इजीली अलग हो जाते हैं, चाहे बिगनर हो चाहे एक्सपीरियंस वाले हो। ये देखिए, बस ऐसे कर लें। और इसको है ना, पलटते दूसरे बर्तन में पानी निथार दें, बस कुछ नहीं करना। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो मुट्ठी भर भर के निकाल लीजिए। ये देखिए, ये निकल गई सारी है ना, चिक्कल हमारे निकल गए हैं। ये देखिए, है ना, क्योंकि पहले पिछले बार भी वीडियो में मैंने दोनों हाथ से निकाले थे, इस बार एक हाथ से निकाले हैं, कि क्योंकि ये इजीली निकल जाती है। ये देखिए, इतनी चिक्कल हमें चाहिए। ये देखिए, ऐसे हाथ से निकाल लीजिए। कभी कभी क्या रहता है ना, कंकड़ रहते हैं नीचे दाल में, तो वो दाल के कंकड़ भी निकल आएंगे और आपकी दाल भी फ्रेश हो जाएगी। इतनी है ना छिलके, तो हमें चाहिए चाहिए, तभी है ना मंगोड़े हमारे अच्छे बनते हैं। ये देखिए, ये निथार लीजिए, तो इसके जो कंकड़ होते हैं ना, वो नीचे रह जाएंगे। अगर ये वाली दाल नहीं निकाल पा रहे हैं तो फेंक दीजिए। ये देखिए, है ना। और जी, हमारी प्याज कट के रेडी हो गई है। ये है ना, आलू का मसाले के लिए जीरा है ये मंगोड़े के लिए नहीं है। प्याज और दाल हमारी रेडी है। ये देखिए, प्याज कट के रेडी है, और ये हमारी दाल है। ये मिक्सर में डाल लें, ग्राइंडर में, हाथ से है ना बटते हैं ना दाल। सिल पर तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आजकल तो फास्ट है ना, काम करना पड़ता है। और 2 लौंग डाली हैं मैंने, और पल्स रेट पे चला लीजिए, तो हमारी दाल रेडी हो जाएगी। ज्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरी रहना है। और मैं मिर्ची काट रही हूँ। इसमें मिर्ची चाहिए 1 कटोरी भर के, माने कि 25 मिर्चियाँ चाहिए चाहिए मंगोड़े में। ये देखिए, 1 कटोरी भर के आ जाएगी। और ये बहुत तीखी वाली है, और तीखी नहीं लगेंगी मंगोड़े। ये देखिए, 1 कप भर के ले लें। जैसे मैं उसमें लेती हूँ ना, जब मैं ना आलू और मेथी की सब्जी बनाती हूँ, तो उसमें भी मैं बहुत प्याज लेती हूँ। ये देखिए, है ना, तो हमारी है ना हरी मिर्ची कट के रेडी हो गई है, और धनिया रेडी हो गया है, और हरी मिर्ची, धनिया, अदरक, ये रेडी हो गए हैं। अब मैं बना डालूंगी हरी मिर्ची, धनिया, अदरक, इसमें सब डाल दीजिए। और अदरक है ये, अब हम हींग डालेंगे इसमें, और प्याज डालेंगे, है ना, और नमक डालेंगे, साथ ही नमक डालेंगे, और ये नमक डाला है, और हींग डाल लीजिए। बहुत ही मिनिमम मसाले हैं, मैक्सिमम फ्लेवर है, हमारे बैलेंस मसाले हैं। और ये मूंग दाल की मंगोड़ी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप कहेंगे इसमें तो बहुत कुछ डाला नहीं है, और रेड चिली पाउडर है। ये देखिए, अब इसको मिला लीजिए अच्छे से। अगर आपके पास हरी मेथी है तो थोड़ी सी वो भी डाल लीजिए, क्योंकि सर्दियों में हरी मेथी बहुत अच्छा काम करती है बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए। और जी, मैंने मिला लिया है। ये देखिए, अब हम है ना, ये पूरा मिला लिया है अच्छे से, और दाल हमारी दरदरी है, ज्यादा बारीक नहीं है, और पानी भी नहीं होना चाहिए। ये हमारा ऑयल रेडी हो गया है। ये देखिए, अब हम एक डाल के देखेंगे कि हमारा तेल कैसा है। एकदम से बबल आ जाते हैं, उतना हमें कड़क तेल चाहिए। ये देखिए, अच्छे से गर्म तेल चाहिए। और आप वन बाई डाल दीजिए इसमें, वन बाई वन। ये देखिए, धीरे धीरे, और पूरी कढ़ाई में डाल दीजिए। और इसको ना, और ना झज्जर से स्प्रेड कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए उसको,
तो ये आपकी गोल्डन ब्राउन होने तक हमको है ना फ्राई करना है। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही इजी बन जाते हैं, है ना। मंगोड़ी तो सभी बनाते हैं लेकिन इसका टेस्ट है ना एक अलग ही आएगा। ये देखिए अभी हमको पलटना है, ये गोल्डन ब्राउन दिखने लगती है ना हमको तभी पलटना है। ये देखिए इसको आप पलट दीजिए, ये देखिए, और इसका टेक्सचर और कलर देखिए आप कितना अच्छा आया है। ये देखिए, और ये है ना जो छिलके वाली दाल की मंगोड़ी है, धुली हुई दाल की मंगोड़ी का टेस्ट और इसका टेस्ट दोनों का बिल्कुल एकदम अपोजिट है। ये देखिए है ना, तो हम है ना दही बड़े मूंग की दाल की और मंगोड़ी ऐसे ही बनाते हैं, छिलके वाली दाल का ज्यादा यूज करते हैं और इसका जो टेस्ट है ना वो एक अपना अलग आता है। और हमारे परिवार में ऐसे ही बनाते हैं ज्यादातर, हमारे बड़ा परिवार है उसमें सबके घरों में एक यही प्रोसेस से बनता है, चाहे जितना काम हो छिलके धुली हुई दाल की नहीं बनाते हैं। ये देखिए है ना, तो हमारे मंगोड़ी निकल के रेडी हो गए हैं। ये देखिए मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है और हमारी पूड़ियाँ भी बन के रेडी हो गई हैं। ये देखिए हमारी पूड़ियाँ भी बन के रेडी हो गई हैं उसी तेल में, क्योंकि है हमारा तेल भी है ना यूज हो जाता है उसी में ही, ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। ये देखिए फूली फूली पूड़ियाँ भी रेडी हैं, सर्दियों में संक्रांत पे भी बनाते हैं, पूरी सर्दी भर बनाते हैं है ना, संक्रांत पे तो मेन बनाते हैं। ये देखिए हमारी पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं। और गाइस पहले वाले वीडियो में मेरी आलू की सब्जी का वीडियो नहीं आया था इसलिए मैंने डाला है। ये देखिए ये आलू की सब्जी हमारी ऐसी दिखेगी है ना, रसेदार तो है लेकिन थोड़ी गाढ़ी भी रहेगी। ये देखिए ये आलू की सब्जी बहुत ही टेस्टी है और ये हमारी मंगोड़ी भी रेडी हो गई है। ये देखिए मैं आपको एक ही हाथ से फोड़ के दिखा रही हूँ, ये इतने टेस्टी हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, एकदम से ऊपर से एकदम से कड़क हैं, अंदर से मॉइस्ट हैं, एकदम से मुंह घुल जाते हैं। और हमारी पूड़ियाँ भी रेडी हैं, अब हम थाली लगा लेते हैं। ये हमारी आलू की सब्जी रेडी है, ये हमारी पूड़ियाँ रेडी हैं और हमारी मंगोड़ी भी रेडी है। और ये है ना तहेड़ी बनाते हैं ना संक्रांत की, वो तहेड़ी भी हमारी रेडी है। ये देखिए है, और दही छाछ दही बड़े, सर्दियां है ना तो दही थोड़ा सा रख लीजिए शगुन के लिए, और मैंने दही भी रख दिया है। ये देखिए और हमारी थाली भी कंप्लीट है, पापड़ वगैरह हैं अचार हैं वो सब साथ में रख लीजिए, वो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अमेजिंग थाली और ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सब काम पैरेलल चलते हैं।